हेलो दोस्तों, ये है जल महल। ये बाहर से अंदर से बहुत खूबसूरत दिख रहा है। आप देख सकते हैं इसका व्यू बहुत ही अच्छा है। हेलो दोस्तों, ये मेरा पहले ब्लॉग का पार्ट टू है। इस वीडियो में हम ब्लॉग को पूरा करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा। इसके बाद इसे बहुत मजा आने वाला है। ये देखिए, आ चुके पारसनाथ पहाड़। आ गए पारसनाथ के पहाड़ पर। हाय पा, क्या सीन है, बहुत मस्त नजारा। ये देखिए बंदर को, ये देखिए सिकंदर को। वाह गजब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग थक चुके हैं और अभी हम लोग आराम कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ से मंदिर दिखाई दे रही है, थोड़ा साफ साफ दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा व्यू भी है। घूमने का बहुत ही अच्छा जगह पर है हम लोग। अभी देख सकते हैं आप लोग कि मंदिर भी अच्छा दिखाई दे रहा है। दोस्तों तो हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। अभी वो मंदिर है, अभी वो पहाड़ अभी चढ़ना बाकी है। देखिए आपको दिखा रहे हैं सामने से, तो आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत व्यू है। पीछे का दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पर बहुत ही अच्छा फ़ोटो भी आ रहे हैं, देख रहे हैं हमारे सारे टीम यहाँ पर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा व्यू है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। बहुत खतरनाक जगह पर आ गए हैं, अभी थक गए हैं पूरा तरह से, पूरे तरह से थक चुके हैं अब हम लोग। चलने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा। ये देखिए बहुत अच्छा जगह है। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं पारसनाथ के पहाड़ पर। और ये रास्ता बहुत लंबा चौड़ा रास्ता से हम लोग आए हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे व्यू देखने थे इसलिए। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत व्यू, बहुत ही खूबसूरत, इतना अच्छा देखने में लग रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, इतना अच्छे जगह पर हैं हम लोग कि बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है। हम लोग तो थक चुके हैं आप देख सकते हैं, फिर भी आप लोगों को व्यू दिखाने के लिए हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। अभी देखिए और ऊपर चढ़ना बाकी है, अब हम लोग चल रहे हैं आगे की ओर और इससे भी अच्छा अच्छा चीज़ आपको दिखाने के लिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग को अच्छे अच्छे व्यू देखने के लिए ही हम लोग लंबे रास्ते से आए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही लंबा रास्ता, लेकिन व्यू यहाँ बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे दिखने में लग रहे हैं। ये जगह बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपको भी अगर घूमना है तो आप लंबा रास्ता तय कर सकते हैं देखना हो तो। ये देखिए चोपड़ा कुंड मंदिर में हम लोग आ चुके हैं, पारसनाथ का है। हाँ ठीक है, तुम बोलो ना। ये देखिए, ये देखिए आपको और भी व्यू। ये है चोपड़ा कुंड मंदिर। उसका बाप आ गया ऊपर। ये रहा कुंड। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग चोपड़ा कुंड मंदिर में आ गए हैं। और ये चोपड़ा कुंड मंदिर है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये भी मंदिर लग रहा है देखने में। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर दोस्त हम लोग का पानी भर रहे हैं यहाँ से पानी पीने के लिए, आप देख सकते हैं। और ये मंदिर है बगल में ही, और बगल में ही एक कुंड भी है, आपको अच्छा दिखाते हैं, रुकिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ही है जल कुंड, चोपड़ा कुंड मंदिर में जो बोला जाता है यही कुंड है। यहाँ पर ही पानी बहता है नीचे से, यहाँ बहुत ही साफ पानी बह रहा है। आइए देखिए चोपड़ा कुंड मंदिर है बगल में ही, आप देख सकते हैं बहुत ही। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग चोपड़ा कुंड मंदिर को देख के आगे की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पर ही हम लोग रुके हुए हैं। देखिए आप लोग दिखा रहे हैं बहुत ही अच्छा व्यू है, यहीं पर हमारे दोस्त लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। यहाँ पर ही यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, तो दोस्त सब यहीं पर बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, जा रहे हैं हम लोग भी फ़ोटो खिंचवाएंगे। आप देखिएगा आपको बहुत ही शानदार शानदार व्यू दिखाएंगे। हेलो, हम लोग अभी सुबह 7 बजे से निकले थे, अभी 12:06 हुए हैं। अभी हम लोग पहला एक मंदिर में पहुँच चुके हैं, पहला पहाड़ के मंदिर पर,
और हमें जाना है उस पहाड़ के मंदिर पर, ठीक है, वो रहा पहाड़, उसके मंदिर पर जाना है। अभी बहुत सारा पहाड़ घूमने बाकी हैं। अभी ये देखिए मंदिर, और यहाँ देखिए इधर भी मंदिर है, इधर भी मंदिर है, इधर भी मंदिर है। और हम लोग हम जा रहे हैं जल मंदिर घूमने के लिए। ये देखिए इधर है जल मंदिर, और इधर देखिए नीचे उतर रहे हैं हम लोग जल मंदिर के लिए। जल मंदिर के लिए नीचे उतर रहे हैं। सुबह से चढ़ने के बाद भी हम लोग को दौड़ के नीचे उतर सकते हैं। अभी हम लोग इतना एनर्जी बढ़ चुका है, पूरा एनर्जी है का। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग जल महल में पहुंच चुके हैं। ये देखिए ये है जल महल, और हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीचों बीच है ये जल महल, नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत भीड़ भी है। देखिए आपको दिखाता हूँ जल महल अच्छा से, आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये है जल महल, और ये बहुत ही खूबसूरत महल है। देखिए आपको ये भी एक मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर। यहाँ पे बहुत भीड़ है, आपको चलिए अंदर में अच्छे से दिखाते हैं और आपको बताते हैं इसके बारे में। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मज़ा आने वाला है। तो हम लोग थोड़ा सा चप्पल जूता खोल के अंदर की ओर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से भी कितना शानदार अच्छा दिख रहा है मंदिर। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मंदिर देखने में लग रहा है। आपको भी ऐसा चीज़ देखना है तो आ सकते हैं आप, जल महल देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत, कितना मस्त जगह है, मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। ये जल मंदिर है, हाँ यही जल मंदिर है। नीचे में पानी बह रहा है, यही है जल मंदिर, चारों तरफ से जल बह रहा है, ये मंदिर है। और ये हमारे कुछ टीम लोग हैं, बाकी के पीछे रह चुके जो नहीं आने सके, बाकी किसी से पीछे रह चुके वो नहीं आ चुके। हम लोग आधा ज़्यादा मंदिर सब घूम चुके हैं, सभी घूम लिए हैं। अभी के एक बज चुका है, और हम लोग को अभी पारस का पहाड़ का मंदिर एक मेन मंदिर बाकी है बस। अब हम लोग को वो मंदिर घूमना बाकी है। दिख रहा नहीं, वो मंदिर। चलिए आगे कर। तो आप लोग देख सकते हैं ये पीछे का दृश्य है, पीछे के कैमरे से ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, यहाँ देखने में मन ही नहीं भर है यहाँ से जाने का, आप देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग पहाड़ पर आ चुके हैं, और सबको भूख लग गया है, सब लोग खाना खा रहे हैं, सब लोग खाना दिखा यार, लिट्टी भुजिया, पूरी, सब कोई खा रहा है, देखो। पारसनाथ का आ गए हैं मेन मंदिर पर, और हम लोग इसको चढ़ रहे हैं, ये राज का सीढ़ी पर है अभी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये पहाड़ का मेन मंदिर है, पारसनाथ पहाड़ का, आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखने में लग रहा है, और हम लोग को इसको और देखने के लिए अच्छा से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। यहाँ पर सामने में बंदर है, बंदर मोबाइल छीन सकता है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा संभल के चलना पड़ रहा है।
देखिए यहाँ देखिए बंदर भी हैं बगले में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यही है पारसनाथ पहाड़ का मेन मंदिर है जो बहुत ऊंचे पर्वतों पर स्थित है। और आप देख सकते हैं हम लोग ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं और यही मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। चलिए आपको अंदर से और अच्छे से दिखाते हैं। और ये देखिए हमारे टीम लोग हैं और हम लोग ऊपर की ओर चढ़ेंगे अभी। हमारे सारे टीम कहाँ हैं अब वो दिखा दे रहे हैं हम लोग। सारे टीम देखिए पीछे और हमारे सारे टीम खड़े हैं और हम लोग ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। तो आप लोग चलिए दिखाते हैं अंदर की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत ही शानदार नज़ारा है। हम लोग सबसे ऊंचे पहाड़ पर आ चुके हैं। यहाँ पर हवाएं बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज चल रही है और बहुत ही ठंडा लग रहा है यहाँ पर ही। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हेलीपैड भी है यहाँ पर, जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरते हैं यह सब। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही तेज हवा चल रही है जिसके कारण बहुत ठंडा लग रहा है। चलिए आपको मंदिर के अंदर जाकर दिखाते हैं कि मंदिर के अंदर में है क्या। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको अंदर चलते हैं मंदिर के। तो ये देखिए ये मंदिर का गेट है और हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये मंदिर का गेट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।